आज की चर्चा शुरू हुई थी जामनगर से जाना है जूनागढ़, तो बीच में दोरा जी आया था और दोरा जी में कौन मिला? पवित्र आत्मा, श्री अमलावती की वासना, श्री बाईजू राज महारानी, श्री तेज कुंवरी जी। अब तीसरी लड़ाई जो हुई थी उसमें भी विजय हुई थी, जो कहा था ना, जब पीसा जाता है इक्षुदंड तब जरती रस की धारा अखंड। हम और तुम परिस्थिति के वश में है, आगे जाकर के पता नहीं श्री राज जी हमें कौन सी शोभा देने वाले हैं। तो फिर यहाँ दूसरी बार जब आए तेज कुंवरी जी के रूप में अमलावती की वासना, तो कौन सी शोभा मिली उनको? श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महाराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो परना। श्यामा स्वरूपा की शोभा मिली, महामंगलपुरी धाम में सिंहासन पर पदरामनी होगी तब। इस तरह से विजय हुई इस लड़ाई के अंदर। अभी फिर गांव बसाने के लिए आए, कांजी भाई के साथ मुलाकात हुई, हरिजी व्यास की बात सुनी और फिर हरिजी व्यास के पास आए, एक माँ श्रीमद भागवत की कथा सुनी और उसमें एक प्रसंग आया कि हीरा का एक मंदिर है जिसकी 84 लाख योजन की पड़साल है। इसी प्रश्न के अंदर हरिजी व्यास को परास्त कर दिया, उन्होंने मान लिया कि आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप है जो रूप बदल करके मानव के बेस में मेरे घर मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए ज्ञान रूपे लाठी मार करके भगाने के लिए आए हैं, आप धन्य हो। फिर तीन सृष्टि की पहचान कराई, ब्रह्म ईश्वरी और जीव, आम खास और खासल खास। उसके बाद श्री जी दीप बंदर की पवित्र धरती के ऊपर आए, जयराम कंसरा के वहाँ 5वें दिन की लीला शुरू हुई, जागनी लीला, और जयराम कंसरा को जाति स्मरण कराते, साथ में हम सुंदर सात का भी जाति स्मरण करा रहे हैं, जो बिल्कुल माया के अंदर भूल गए थे उनको फिर से याद दिला रहे अपने धाम धनी और निज स्वरूप की, अपनी निस्बत की। और साथ में हम भी जब जब माया में भूल जाते हैं तो हमारे लिए दीप बंदर का प्रसंग है, याद करो श्री राज, धाम को याद करो, धनी को याद करो, निस्बत को याद करो, श्री राज जी को याद करो। कितना जिए, कितना जिएंगे, क्या लेकर के आए, क्या लेकर के जाएंगे? अगर कुछ दे करके दुनिया को जाएंगे ना, तो वो साथ में आएगा, वो याद करेगी दुनिया, अन्य कुछ भी खाया पिया भोग विलास कुछ साथ में आने वाला नहीं है। अपना तो सब कोई करता है, अपना पेट कौन नहीं भरता है? एक जानवर भी अपना पेट तो भर लेता है, अपने लिए कौन नहीं करता है? अपने स्वार्थ के लिए तो सभी करते हैं, लेकिन दूसरे के लिए अगर कुछ करेंगे, धर्म के लिए करेंगे, तो हमारा बैंक बैलेंस बन जाएगा। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम जब जग में जन्मे तो जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे और जग रोए, जब हम जाए तो हमें याद करके दुनिया रोए। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। दिल्ली में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय महामति प्राणनाथ प्राकट्य चतुर्थ शताब्दी महोत्सव आगामी 18 से 23 सितंबर 2018 तक संपन्न होगा। उक्त महोत्सव में उपस्थित होकर तन मन धन से सेवा कर यश और पुण्य के भागी बने। स्थान: अंतर्राष्ट्रीय चतुर्थ शताब्दी महामहोत्सव विशाल एनक्लेव, नजदीक रजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली 110027।